ओए कटवे, ओए भड़वे, ओए मुल्ला उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर निकल, तेरे को मैं देखता हूं। आप कहेंगे क्या हो गया संदीप चौधरी, तुम्हें क्या हो गया? ये एक सड़क छाप गुंडे, एक मवाली की भाषा, वो भी स्टूडियो में, नेशनल टीवी पर क्यों बोल रहे हो भाई? पागल हो गए हो? कोई नशा करके आए हो? ये क्या हिमाकत, ये क्या बदतमीजी, ये कैसा आचरण, क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सवाल आपके जहन में कौंधा होगा। गली मोहल्ले सड़कों पर इस तरह की भाषा आम हो गई है, लेकिन सभ्यता का भी एक तकाजा होता है। पर अगर मैं आपको यह बताऊं कि यह शब्द जिनका मैंने इस्तेमाल किया, यह शब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी संसद में इस्तेमाल किए गए, जिन्हें आप, मैं, हम सब अपने प्रतिनिधियों के तौर पर चुनकर भेजते हैं देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, कानून बनाने के लिए, उनमें से एक सांसद बिधूड़ी के बोल बिगड़े, सत्ताधारी बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, और इन शब्दों का इस्तेमाल किया नई संसद में विशेष सत्र के आखिरी दिन। इस 5 दिन के विशेष सत्र में हम पुरानी संसद से नई संसद में भी आए, 75 साल संसदीय परंपराओं से क्या सीखा, क्या अनुभव, क्या तजुर्बे मिले, उस पर बातचीत हुई, गंभीर चर्चा हुई, और आधी आबादी के सशक्तिकरण, उनको पूरी आजादी देने के लिए 27 साल से वनवास काट रहा महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, पास किया गया। लेकिन वो होता है ना, खाने में लजीज खाना परोसा जाए पर आखिर में कुछ ऐसा दे दिया जाए कि मुंह का स्वाद कसैला हो जाए, और यहां पर मुंह के स्वाद की बात नहीं, देश का मूड कसैला हो गया, देश का स्वाद, देश का जायका कड़वा हो गया। और यह क्यों हुआ? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के, चर्चा उस पर हो रही थी, और रमेश बिधूड़ी बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को इन शब्दों से, इन संज्ञाओं से नवाजते दिखे। जहरीले बोल, किसी का अपमान करना, कुठाराघात करना, उस पर हमने सांसदी छिनते देखी है, जेल जाने की नौबत आई है। लेकिन ये सांसद सांसद हैं? 10 दिन का कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है, जी खेद जता दिया, एक्सपंज कर दिए गए। अब लोकसभा के रिकॉर्ड में ये शब्द, ये बयान नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियों को नहीं पता लगेगा। 21 सितंबर एक काला अध्याय के रूप में दर्ज नहीं होगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।